राम राम जी सारे, स्वागत आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और ये देखो इसकी पागलपंती, हेलो गाइस। सारा दिन ये काम करने इसने। शकल देखो ना, नतम भी देख बतेरी सुतरी से नजर लाग जगी किसे की, लाइव टोक ना लाइयो जी मारे छोरो का तो करा गाल दियो सारे। हाँ माता जी, सलाद काटू उधर बतर काकड़ी राजस्थान का काकड़ी और कुछ कुछ के पेठा की सब्जी बना रही है। देख ले भाई, लोग देखता हूँ ना भाई, खाऊंगा ना भाई, खाऊंगा इब एक रोटी रो पीट कर काट दी मैं के रिश्वत दे हो वो, ये तो पेठा की सब्जी के लिए रोटी खा लेंगे। आज शाम ना तो पापा पनीर मंगाए, तेरे पसंद बनाएगा। ठीक, धमकान का तो मेरे मेरी आज क्लास का तो जुगाड़ कर दिया आपने। नहीं आ, कुछ बन देंगे तो खाओगी जो, फिर मैं कह दूंगी फोन करके खा लेती भाई बाद में। आज नहीं खाओगी जो कह दूंगी फोन करके खाई बंद। पेठा अलग होनी खाऊंगा कुछ और देंगे। तने यह बात कही थी वीडियो में है, देख सकते हो कि या कद्दू पेठा में खा सकू हूँ, तोरी नहीं खाऊ कही थी। नहीं और पड़ी हम बैठी में तो रिची में लग रही थी। ओ मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई थी। पूरा करना पड़ेगा आराज ने, देख आनंद में पार्क की सफाई के गजब तक लग रहा है। देख तो जाऊं तो मैं तो ये झूला भी इतना ऊंचा कर दिया। ओ भाई साहब, पापा बतौनी नहीं थी या करनी नहीं थी पापा ने, तो चाचे ने तो देखो कितनी कर दी। काकड़ी खा लो, छोटी थी रात रही, बाकी मैं खाई लूँगा, मैं आप इतना खाई लूँगा। अरे ये सूट भी बदल लिया करो। ये काल काल क्या था, काल बैठ गया हुआ है, क्या दिन हो गए इसे सूट में देख देना है। दादी का सिर धोकर अब फिर नाऊंगी सब तुझे बताऊंगी। रहने दो इसे मैं देखूंगा तो क्या दिन हो गए। ले दे सूट, ले दे मेरे। ए इधर जहर खाने का पैसा नहीं है रे बाबा, मेरे पास यही है रे बाबा। बदलो जाओ सूट बदल का आओ। पहला बुढ़िया का सिर धोऊंगी। बुढ़िया क्यों हुआ है, मम्मी जी बोलो। माता जी हाँ रे बाबा जी। तो अभी माता जी मेरे लिए रोटियां गरम कर रहे हैं और पेठे की सब्जी भी खाऊंगा मैं, रोटी भी खाऊंगा वो भी दो दो, है नी दो दो नी चार 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 भी खाऊंगा, फिर दो एक टाइम की, है नी है नी। हाँ कसूती धमकी ले रही है मम्मी, चलो ले जे ले जे, दान करूं मैं सब्जी। एक चम्मच का केयो ले जे करूं। आज हमें एक नया शब्द सीखने को मिला अभिषेक। अभिषेक बता भी। डोड़ा पढ़ना। उसका मतलब क्या है? जो बागड़ी है वो समझ जाएंगे कि है डोड़ा पढ़ना। फिर तेरा डोड़ा पढ़ आज। ना 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 ना, मैं बता देंगे मैं हमने क्या डोड़ा पढ़ना। बुआ बताओ डोड़ा क्या है? बुआ बता दो। आई ब्रो। की हुए? अब तो अभिषेक का डोला गए। चलो बुआ बीच बीच वाली पीछे को ना कहें, बीच बीच वाली अभिषेक का डोला पड़ा। बस बस ज्यादा गया टूट क्या रहा है इतने खड़े बाल। वैसे अभिषेक ने बतेरा कंटेंट दे लिया, इतने वीडियो क्यों बनाई मेरा जी रहा था।
वैक्स फिर दी जस्ट फॉर फन ओके हैप्पी कौन सा वो कौन सा है अच्छा वो मोटा वाला वो किधर है होगा अभिषेक फिर डोला साफ करा दे गाइस खाना खा लो आप भी और माता देखो जग में चाह बना ले आए हैं मेरे लिए लाइन पे आ गए जुगर मैं और मैंने कह जग में कॉफी बनाई थी जब आप कुकर करो थे क्या जाएगी फिर मेरी रीस चल मेरे चाचा काम करन लग रहा है तो कि जब मैं दिहाड़िया बनाओगे गिलास में चाह दे हो प्लीज गिव मी कॉपी ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है अरे ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है जी खाऊंगी मैं तो अभी आपके सामने एक प्ले आने वाला है आदिब शेख तू रोटी लेके आइयर खेत कमाऊंगा शुरू करो प्ले ओके आज बाबी आने की खुशी में समोसे अरे अभिषेक तो खांदा हो नहीं इसका खुशी ही इतनी हो रही है सही बात है एक बार ही होया करे यूं मजाक चूड़ी का के दे खा लो गाइस आप भी और अभिषेक तो खांदा को नहीं बाकी हम तो ही खावांगे ले है नहीं अभिषेक फिर अभिषेक तो मार दो रे बैठे बैठे मारती देखेगा अजीब लगेगा तो एक काम कर बैर बिक जे बाबी कड़े वेर इज बाबी बैज की नो एक कटोरी दो चार चम्मच ली ये देखो बड़ा गोसा है छैट करने और बैठी है आपका देखो चाचा ने सारे पार्क की सफाई कर दी और अभी मम्मी और पापा ये सारा घास फूस उठा गए और बाहर की तरफ फेंकेंगे और बाहर की तरफ क्यों फेंक रहे हैं उसका रीजन पिताजी बताएंगे बताओ पापा थोड़ी देर पहले इतना ज्ञान बांटने लग रहे थे हैं थोड़ा ज्ञान दर्शकों को भी दीजिए ये आपके ज्ञान पाने के इच्छुक हैं पिताजी बोलिए बोलिए अब इससे पहले ये मुझे दो चार बातें सुनाएं मैं ही बता देता हूँ पापा ने कहा कि इसको बाहर फेंकते हैं क्योंकि ये घास फूस अगर यहीं पड़ा रहेगा तो
वही कचरा फैला रहेगा और घास फूस उग जाएगा, इससे अच्छा इसे बाहर फेंक देते हैं। और बाहर फेंकने का एक दूसरा ऑप्शन, मतलब इसको कचरे को साफ करने का ये दिया था हमने कि जला देते हैं इसको, तो पापा ने बोला पोल्यूशन होगा, ये होगा, वो होगा, इसलिए बाहर फेंक रहे हैं। ओके मम्मी, वो बाहुबली वाला गाना लाओ। दादी जी राम राम, कैसे हो? जोर से बोलो, बोलो जय माता दी। और सुनाओ भी, खुशी से? खुशी से, अच्छा खुशी में रहिए फिर। पापा ने या पी फिर ते नीचे कर ली, रिस्प झूल पी लिए। और माता ने देखो, मम्मी न्यारे हो गए क्या आप मरते येड़े रहोगे, चूल्हा गैल दें एक बढ़िया बढ़िया चीज बनाए गए ना, और भीतर पहुँचाए जाए सिलेंडर यहाँ तो ले आओगे, कल्ला सिलेंडर सिलेंडर तो काम से ले लोगे, चूल्हा वो मट्टी वाला गाल लागे गाल लियो ऐड के करोगे गाल का कदे की मैं बनाओगे उस पे, क्यों झूठ बोल लो बटोड़ा सब्जी बनाया करोगे, रोटी भी ई बाजरे की। मेरी बुआ 2 दिन खातर आई थी, आप पूरा फायदा ठहरे हो नी? यस के हुए है। अच्छा फिर मेरी बुआ 2 दिन आई थी छुट्टी है रेस्ट करण देवर, तो उड़े बुआ काम करे ही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक। तो वैसे तो मैं आपको हमेशा पकाता ही रहता हूँ, लेकिन आज आपको पकाने के साथ साथ मैं पकाऊंगा पनीर, बनाएंगे शाही पनीर। तो मेरे हाथ का शाही पनीर जिस जिसको भी खाना है पहले ही पहुँच जाओ, ठीक है? तो ये 5 प्याज छील लिए हैं मैंने, अब इनको काट के और पहले फ्राई करूँगा ताकि उससे थोड़ी कच्चे कच्चे प्याज की वो स्मेल ना आए ग्रेवी में, ठीक है? तो काट लेते हैं इनको। प्याज कट चुके हैं, अब इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो प्याज को रोस्ट करने के लिए घी मैंने मेल्ट कर लिया है, अब इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो प्याज को हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है, और टमाटर और हरी मिर्च काट लिए, इनको कर लेते हैं ब्लेंड और प्यूरी बना लेते हैं इनकी। तो टमाटर की प्यूरी भी बन गई है, और पनीर को भी मैंने काट लिया है, अब इसको भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, और ये प्याज भी थोड़े बहुत ठंडे हो गए हैं तो इसकी भी प्यूरी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में घी, हींग और जीरा डाल दिया है, ये प्याज की प्यूरी भी तैयार है, टमाटर हरी मिर्च की प्यूरी भी तैयार है, और पनीर को भी रोस्ट कर लिया, दही भी आ गई, और अभी बना देंगे शाही पनीर। और भाई ये मेरी मम्मी मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाए बिना रुकते नहीं है, है मम्मी? ये बब्बन बन रहे हो एक तो आज आप, यू बताओ ये दही इतनी बुरी तरह क्यों मिलाई आपने? सही को नहीं मिलाई, मैं बनाने लग रहा था बीच में कि दही मिला के फेट का मैं मिलाऊंगी, और ये देखो चुकर मिलाई है और पानी भी एड़ दिया। पिछली बार मैंने खुद तो बनाया था, मम्मी ने भी को नहीं आने दी, जो कितना बढ़िया बनाया था। ना ना आपने नाश कर दिया, हाँ देखियो कौन मचाली बात है, बगाओ ना आई मैंने, ठीक है? थोड़ी ग्रेवी देखो मेरी गलती कैट देगे, हट लो मैंने बता दे, सही को नहीं मिल रही माँ की टांग, तो मेरी ठीक से छोटी है बड़ी ही बस, डटजे 52 फुट की। तो दोस्तों
शाही पनीर अपना तैयार है, और मम्मी अगर टांग नहीं अड़ाते तो शायद ये और भी बढ़िया बनता है। के तो एक बार शाही पनीर बनाया कर, मेरी बात को क्या कर रहा है? चुप क्यों? ये मेरी मम्मी नहीं छोड़ दे भाई, मेरी बुआ ने हैं ये मेहंदी लगवान लग गए। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, है नहीं? मैं भूल गई उसके खा कर मैंने विंसु की तरह कहने के लिए आंदी रिसेप्शन पार्टी। रिसेप्शन पार्टी किसकी? अभिषेक की। अच्छा वरी वाह पनी पागल चुंदड़ी कहूँ मैं वारी उसकी। अच्छा वित्र सुती है और कुछ है मम्मी? और आपने क्या किया था कि मैं सूट बदलूंगी ना? एक है ना, एक वो नहीं मैं सिर्फ दूंगी। अच्छा अच्छा कैले बदल लोगे ना सूट ना हूँ मैं नहीं बस सिर्फ दूंगी। अच्छा अब एक तरह नाटक है क्या? मेरा तो के है ओए कैला वाला काम कर दे। भाभी देखा यार ठीक से भी फेंकने लग गया, थोड़ी बहुत जोड़न लग गया, बस बंद कर दिया वीडियो ने। शादी कर ली चल नैच के दिखा तो नैच के दिखा ना ना रू शरीफ जुगर नाच दा ना ना नाच नाच भी ओए गाना क्या है अभिषेक है ईब गाओ था जो सा और बनाए दे तने दिल लग गए बात बनाए दे हुए डोली के पीछे दिल है मेरा डोली के पीछे दिल गाने में दा हुआ जोर तो बोल जो नहीं बहु लिया दो चार दिन अड़तीन तो सुन लेगा और की में और नाच कुकर की है दन के कहोगी भाई जी भाई जी भाई जी तो मट्टी कुटाई दिन था ना बंद कर दिया चालीप तो नहीं। माता जी तो अभी देखो 10:30 तो ये सर धोएंगे हैं, फिर बीमार कौन होगा? मैं ना मैं आऊंगा नहीं और ये अपनी आदत पड़ रही मेहंदी भी धो ली ईद तो लगवाई थी बतेरी बाकी आज किस खुशी में लगवाई थोड़ी गाड़ी आ रहा नहीं वॉइस भी लग रहा है आज किस खुशी में लगवाई मन ना खुशी कुछ नहीं चल रही अपना मन बन गया तो दे इनने तो नींद आती कोनी मैंने तो नींद आ रहा मैं तो सो तो ये ब्लॉग बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक शेयर कर मत करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।